दोस्तों आईपीएल के 55वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को हरा दिया और इसी के साथ मुंबई इंडियंस टॉप 3 में पहुंच गई, तीसरी पोजीशन पर पहुंच गई, लेकिन आरसीबी 7वें नंबर पर पहुंच गई। अब आरसीबी के पास कितने चांस है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए और कैसे आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, और अगर आरसीबी ऐसा नहीं कर पाती तो आरसीबी एक बार फिर आईपीएल से बाहर हो सकती है और आरसीबी का जो 15 सालों से आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना है वो एक बार फिर टूट सकता है। लेकिन आरसीबी के पास क्या चांस है, आरसीबी को क्या करना है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, चलिए डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर नजर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आरसीबी मुंबई इंडियंस से मैच हारने के बाद अब 7वें नंबर पर है। मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर पहुंच गई जीतते के साथ ही, लेकिन बेंगलोर जो है वो 11 मैच में 5 जीत और 6 हार के साथ 10 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर है और बेंगलोर का -0.34 रन रेट है। और अब बेंगलोर टॉप 4 में कैसे जगह बना सकती है, क्या है बेंगलोर के पास चांस, तो पॉइंट टेबल से समझिए आप। बेंगलोर के 3 मैच बाकी है और बेंगलोर अगर तीनों के तीनों मैच जीत जाती है तो बेंगलोर के पॉइंट हो जाएंगे 16। तो प्लेऑफ में पहुंचने का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 16 पॉइंटों का वो बेंगलोर पूरा कर लेगी और बेंगलोर को इन तीनों मैचों को तो जीतना ही है, साथ में नेट रन रेट भी बढ़ाना है, यानी अच्छे मार्जिन से जीतना है ताकि बेंगलोर का नेट रन रेट भी बेहतर हो। और वो इसलिए क्योंकि राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स इनके भी 10-10 पॉइंट है और इनको भी बाकी बचे तीनों मुकाबलों में तीनों के तीनों जीतने हैं। लेकिन अगर बेंगलोर तीनों मुकाबले जीतती है और नेट रन रेट भी बेहतर रखती है, अच्छे मार्जिन से जीतती है तीनों मुकाबले, तो बेंगलोर राजस्थान और कोलकाता से भी नेट रन रेट के मामले में भी आगे निकल जाएगी और बेंगलोर टॉप 4 में पहुंच सकती है। साथ ही बेंगलोर को ये भी देखना होगा कि लखनऊ सुपर जॉयंट्स जो कि अभी 4th नंबर पर है, जिसके भी 3 मुकाबले बाकी है, वो अपना एक मुकाबला हार जाए। अगर लखनऊ सुपर जॉयंट्स अपने तीनों मुकाबले जीत जाती है तो लखनऊ के 17 पॉइंट हो जाएंगे और लखनऊ सीधा प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। तो बेंगलोर को यह भी देखना है कि लखनऊ अपना एक मुकाबला हारे और बेंगलोर अपने तीनों के तीनों मुकाबले जीते और नेट रन रेट भी बेहतर रखे राजस्थान, कोलकाता और पंजाब से, ताकि बेंगलोर चौथी टीम बन सके टॉप 4 की, क्योंकि गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में लगभग पहुंच चुकी है, चेन्नई सुपर किंग्स को भी 2 मैच जीतने हैं प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी और मुंबई इंडियंस को भी अब 3 में से 2 ही मुकाबले जीतने हैं, तो मुंबई इंडियंस भी क्वालिफाई आसानी से कर सकती है। लेकिन अब बेंगलोर के पास यही चांस है कि बेंगलोर अपने तीनों के तीनों मुकाबले जीते और नेट रन रेट भी बेहतर रखे, ताकि बेंगलोर तीनों मुकाबले जीतने के बाद राजस्थान, कोलकाता और पंजाब से आगे निकल सके और साथ ही लखनऊ सुपर जॉयंट्स एक मैच हार जाए बेंगलोर को, ये भी दुआ करनी होगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बेंगलोर टॉप 4 में पहुंच पाएगी, प्लेऑफ में पहुंच पाएगी?